वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न एक्सपेरिमेंट। यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि चेंजर की मदद से झाड़ को कैसे चलाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले हम इस झालर को आपको सिंपली बार कर बताने वाले हैं कि किस तरह जल रही है। देख सकते हैं दोस्तों जो हमारी झालर है इस प्रकार से बढ़ रही है। दोस्तों अब हम इसे इस फ्लेक्सर मशीन से जलाकर बताने वाले हैं कि इसकी वायरिंग किस तरह करे और किस तरह से जो हमारी झालर है वर्क करेगी। देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास तीन झालर है। दोस्तों तीनों का कनेक्शन हम इस मशीन से कर बताने वाले हैं कि जो हमारी झालर है कितने अच्छे तरीके से ग्लो कर रही है। दोस्तों सबसे पहले हमें तीनों के न्यूट्रल वायर को एक में कनेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं तीनों का एक एक वायर हमें एक में इस प्रकार से जोड़ लेना है। दोस्तों देख सकते हैं तीनों का एक एक वायर हमें कुछ इस प्रकार से एक में कनेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं दोस्तों जो हमने तीनों वायर को एक में कनेक्ट किया था उसे हमें न्यूट्रल में जोड़ देना है। दोस्तों उसके बाद जो हमारे तीन वायर बचे थे उस तीनों वायर को हमें तीनों फेस में कनेक्ट कर देना है। देख सकते हैं एक पीला वाला वायर को इसमें कनेक्ट कर देना है और एक ग्रीन जो ग्रीन वायर बचा था दोस्तों उसको भी हमें इसी में कनेक्ट कर देना है। दोस्तों एक लास्ट वायर जो रेड बच रहा है उसे भी हमें इस वायर में बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं दोस्तों जो हमारी वायरिंग है बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है कंप्लीट। दोस्तों अब हम इसे जलाकर बताने वाले हैं कि कितने अच्छे तरीके से जल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों हमें यहाँ से मेन करेंट मशीन के अंदर सप्लाई करना है। देख सकते हैं दोस्तों जो हमारी झालर है बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। दोस्तों हम वॉल्यूम को बढ़ाकर बताते हैं कि कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। दोस्तों अब लाइट ऑफ कर जलाकर बताएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों बेल आइकन जरूर से ज़रूर दबाना।